सो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन पूछने को मिलता है, सभी बोलते हैं कि जितने की आपने बाइक ली देन यू कैन गो फॉर ए कार, एंड ये भी पूछ रहे कि कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं एंड कहाँ से हैं, सो एवरीथिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ व्लॉग. जो 40,000 का कैमरा आएगा उसकी चलेगी मुश्किल से 40 मिनट, इसकी चल जाते कई घंटे, बात एक ही है. ये रोड में चलोगे चलती रहेगी. हाँ जी, इसका एक फ़ायदा और रहा है, मान लो किसी की गलती हो बता दो कि भाई तेरी गलती थी, मान लो कोई कुछ बदतमीजी कर दे कोई. नहीं सही है, मैं तो मन नहीं चला तो भैया. अरे कितने से आती होगी ये? 3 लाख. तो 2 70 बता दो, 3 बता दिया भाई. तो आपने KTM पूछी, मैंने KTM पे एक एवरेज बता दिया आपको. नहीं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना, इसका तो 3.5 की भी आती है. हाँ 3.5 की भी आती है. हाँ इसमें जो है वो मुझे लगा है कम से कम 2.25 की आती है, कम से कम 2.25 की आती है. तो इस कंपनी में करते हो किसी और? नहीं नहीं मैं तो उसमें हूँ, मुरादनगर यूनिवर्सिटी में, मुरादनगर में जो जो यूनिवर्सिटी उसकी है SRM. ना नहीं 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 हाँ नहीं वो आए थे उसमें नितिन गडकरी. हाँ 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 नहर से पहले, नहर से पहले पड़ती उल्टे हाथ पे. नहर से पहले ही है? हाँ हाँ जा रहा नहर से पहले तो कह रहा हूँ, थोड़ा सा पहले नहर, तो वहाँ से ऐसा पड़ती है 1.5 किलोमीटर नहर. गाजियाबाद से आओगे? नहीं नहीं इधर से जाते हुए कह रहा हूँ मैं. अच्छा यो रहा, अबूपुर के आगे जाते, क्या नाम है, सीकरी के पास है वो. हाँ 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 बिल्कुल सही, उसके पास ही है. अच्छा जी चले जी, मैं तो मेरठ से ही हूँ, कंकर खेड़ा. हाँ जी, तो दोस्तों ऐसे ही होते हैं भाई, जब कभी हमारे पास भी बाइक नहीं थी तो हम भी ऐसे पूछते थे भाई कितने की आई. सो कैमरा थोड़ा बनता, मैंने दोबारा चलाया भाई, पूरा डिस्कशन कर रहे थे कितने की ली, क्यों ली इतनी महंगी. सबसे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता हमारे पास कि भाई इतने में कार ले लेता. सो भाई हमें इतना पता, जो मज़ा बाइक का है वो कार का नहीं है, ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं, ठीक है ना. सब बोलते भाई इतने की तूने ली, कार ले लेता. रियली अभी ये डिस्कशन चल रहा था, कैमरा बंद था बट अभी मैंने लेट चलाया तो आई होप थोड़ा बहुत कैप्चर हुआ होगा इसमें. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही पूछा जाता है और बोला जाता है, क्योंकि मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ तो गांव में यही बोला जाता है कि भाई इतनी महंगी मोटरसाइकिल ली कार ले लेता. और सही बात भी है, बट जो बाइक लवर है उन्हें पता है भाई बाइक बाइक है, चाहे भले ही हमें इस पर धूप लगती हो या फिर बारिश में हम भीगते हों, उसका भी एक अपना मज़ा है भाई, बारिश में भीगते हो बाइक चलाने का. ठीक है भाई, क्योंकि कार भी ले सकते हैं बट जो बाइक लवर होते हैं उनके लिए नहीं होता. हमेशा मेरा ये डिस्कशन चलता है भाई तूने इतनी महंगी क्यों ली. इस आई थिंक ये थर्ड बाइक है, अगर जो मेरे जो फॉलो करते हैं थोड़ा उनको पता है कि ये मेरी थर्ड KTM है. इस बार अगर भगवान ने चाही तो इसको नहीं बेचेंगे, वो दोनों जो देनी पड़ी वो कोई रीज़न था उनका जो देनी पड़ी. मुझे बस यही है कि सर में दर्द नहीं चाहिए, दूसरे वाली में तो डॉक्यूमेंट का इशू हो गया था इसलिए देनी पड़ी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ली थी, RC आ नहीं रही थी, सर्विस कराने मुझे मुजफ्फरनगर जाना पड़ता था. अब भाई साहब 65 किलोमीटर पड़ता था एक तरफ से, अब इतने की सर्विस नहीं हो रही, इतने का तेल खा रही है, क्या फ़ायदा. क्योंकि फ्री सर्विस थी, 1500 रुपये लगते थे और मुझे लगता है 300-400 रुपये का तेल खा जावे थी, क्या फ़ायदा. तो बताओ महाना सर्विस कराएंगे तो भैया वारंटी से आउट कर देगी कंपनी. रोड से आगे देखना बहुत खतरनाक है. अभी तो कैमरा सही चल गया, अभी कल परसों मैंने इससे पहले शायद वीडियो डाल दूंगा मैं उसको, मैंने 1080p और 60 FPS पर रिकॉर्ड किया था भाई साहब, 58 मिनट के अंदर मेरा आईफोन बंद हो गया. ठीक है अभी इसका चेक किया मैंने, इसकी सिर्फ 55% थी और इसने लगभग 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग की है तो 10% बैटरी गिरी. तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब अगर फुल चार्ज है, अगर 4 घंटे तक या 3 घंटे भी मेरी रिकॉर्डिंग कर देगा तो देन इट इज़ ओके, तो फिर मुझे GoPro वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है. GoPro मैंने इसलिए नहीं परचेज़ किया, उसकी वही पंगा है बैटरी का, एक बैटरी 45 मिनट हार्डली चलती है और फिर वही एडिटिंग वगैरह, क्योंकि उसकी जो वो भी ज़्यादा होती है भाई, फिर अलग से सॉफ्टवेयर लाओ. भाई अपना इतना बड़ा काम नहीं है, अभी हमारे 2000 सब्सक्राइबर हैं, बस जब हो जाएंगे बड़े देन हम भी प्रीमियम खरीद लेंगे एडिटिंग सॉफ्टवेयर का,
देन वी आर रेडी। सो ये अच्छा हुआ भाई अगर वीडियो में आपने देखा हो, अपने डॉक्यूमेंट रह गए थे भाई, ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट मिल गए हमारे। अगर किसी वजह से किसी ने उठा लिए होते या भाई के दिमाग में कुछ गलत फहमी होती, अमित भाई हैं यहाँ पे जो ये सब चीज़ें देखते हैं इंश्योरेंस वगैरह, तो आज भाई हमारी लग गई थी लंका और मामला हो गया था कैडा, देख रहे हो रोड 7-8 की स्पीड पर चल रही के टी एम, दे देगी एवरेज, कतई ही नहीं देवे भाई हो। तुम भी कहोगे भाई कौन सी मेरठ वाली देसी लैंग्वेज में बात हो रही, देख लो 18 चल रही, तीसरा गेयर है, अब इधर से निकालना पड़ेगा क्योंकि सीधा तो मामला कैडा भाई, अब यह है रोटर रोड, इधर से जाना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत यहाँ तो बदबू बहुत गंदी आती है यार, ऐसा लगता है पता नहीं क्या चमड़ा जल रहा है यार यहाँ पे। अब भाई स्मेल जो आ रही बहुत ही गंदी है, और उसको मैं कैमरे में रिकॉर्ड करके आपको नहीं दिखा सकता ना सुंघा सकता, बट रियली एक भाई के टी एम का मीटर पता नहीं क्या चाह रहा, 45 का, एक दिन तो भाई 99 का माइलेज दिखा रही थी, अभी 45 का दिखा रहा, हो सकता है 45 का भी हो, मैं कह नहीं सकता, पर भाई 99 का कैसे दिखा दिया, उस दिन 99 का दिखाया इसने, अरे एक नहीं कई बार मैंने बंद करके भी चलाई, अगर हो सकता है। अब यहाँ क्या पंगा हो गया, और व्लॉगिंग का भाई ये तो एक फ़ायदा है, कुछ हो जाए तुम्हारे साथ देन यू हैव प्रूफ। भाई इंश्योरेंस का तो ये भाई बता रहे 8,000 रुपये, 8,800 रुपये, समझ रहे हो आप, जीरो डैप, गलती आओगी इसका ब्रेक हो गया बीच में, अब इतना हैवी प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं ICICI वाले कि 8,800 का, पहले मेरी बात हुई थी कि भाई 2200 में हो जाओ, मैं चल ठीक है 200-300 रुपये फ़ोटो के खींचेंगे कोई दिक्कत नहीं, 2500 तक हम झेल लेंगे, बट भाई बता रहा 8,800, भाई इतने रुपये में हम इसका एक जोश बदलवा देंगे, और भगवान ने सच्चाई और ब्लॉगिंग वगैरह सही होगी तो टेंशन ही ना कुछ। देख रहे बीच में कैसे टेकली सी लगा रखी भाई सब रोडों पे भी, बाजा बाजा तो भाई ऐसा देखे है खतरनाक, ये यहाँ होती है असली ड्राइविंग टेस्ट। भाई साहब गदगी इतनी गंदी लगती है मुझे, चला भी नहीं सकते इसको, बस KTM में और बाकी बाइकों में ये देखो बंदे देखते हुए जा रहे थे। सो दिस इज द रीजन आई हैव गॉट इट। R15 भी जो V4i देखने में अच्छी लगती है, पर भाई साहब पावर नहीं है उसके अंदर, भले ही वो 70-60 के बाद जाने के बाद उसका दिखाते हैं जो उसमें VVA टेक्नोलॉजी काम करती है, बट उससे पहले तो वो नॉर्मल 150 cc की बाइक ही है यार। अब हमें 60 से ऊपर नहीं चलानी, और माइलेज भी कोई उसका वही नहीं है, वही है 40-45 के आसपास देती होगी मेरे हिसाब से, मैंने उसको ज़्यादा नहीं चलाया, चला के मैंने एक दो बार देखा उसको, मतलब मज़ा नहीं आया, जैसे रेस देते हैं तो एक चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए, वो नहीं आई। जब आप कोई भी पावरफुल बाइक चलाते हैं स्पेशली जैसे आपने 390 चलाई हो, तो भाई साहब चेहरे पे आपके स्माइल आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पावर इतनी ज़्यादा है, 43-44 हॉर्स पावर फॉर अ स्ट्रीट बाइक, वो भी अफोर्डेबल प्राइस, अभी तो महंगी होगी वो, पहले कहाँ थी इतनी महंगी, जितने की यार इतने की आ जाती थी वो, इसका प्राइस होगा मेरे हिसाब से 170-180 आती थी ये, ठीक है, वो आती थी 270-260 के आसपास, या उससे भी सस्ती, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वो था मौत का सामान। सो जितना मुझे अभी पता है के टी एम ने अपने जो चार्जेस नहीं बढ़ाए हैं, सो लगभग है KTM RC 200 का प्राइस 260,000 रुपये, एंड जब पहले मैंने परचेस की थी अपना BS6 वर्जन तब था 240,000 रुपये के आसपास, और अभी है 260,000 रुपये, और हमने जब इसके ऊपर ब्लैक टेपिंग कराई थी तो वाइज़र इसका मतलब फुल ब्लैक लग रहा था, सो फिर हमने इसको वापस जो है चेंज कर दिया, अभी हमारा फिर से जो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, एंड हमने इसको थोड़ा दौड़ा के भी देखा था, माइलेज वगैरह भी 35 के आसपास दे रही थी हाईवे के ऊपर जब हम इसको दौड़ाते हैं, एंड बाकी सब ठीक है, बट जब पिलियन को बैठाते तो थोड़ा सा आपको बम्स फील होते हैं। सो ये इसके साथ है, आज की हमारी जर्नी ये भी समाप्त होती है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाइस टू सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।